हेलो फ्रेंड्स हम कर रहे थे सेंट्रल सेक्रटेरिएट लाश में हमने इसकी ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर किया एंड आज हमें सेशन में करेंगे फंक्शंस ऑफ डिफरेंट ग्रेड ऑफिसर्स ऑफ सेंट्रल सेक्रटेरिएट इसमें जितने भी हमने ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर किया डिपार्टमेंट्स हैं विंग हैं डिवीज़न ब्रांचेस हैं तो इनके जो ऑफिसर्स हैं उनके क्या क्या फंक्शंस होते हैं तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है रोल क्या है तो इसको हम सिक्स पार्ट्स में डिस्कस करेंगे तो सबसे पहले सेक्रेटरी आता है तो इसमें टॉप मैनेजमेंट से स्टार्टिंग होती है टॉप मैनेजमेंट की कुछ पर्सोनल्स आते हैं सिविल सर्वेंट्स आते हैं उसके बाद मिडिल मैनेजमेंट आती है मिडिल के बाद लोअर मैनेजमेंट आती है तो हम अगर इसको डिस्कस करते हैं क्योंकि हमारा काम है सेक्रेटेरिएट के इतने सारे काम होते हैं तो सेक्रेटेरिएट काम करेगा कैसे डिवीज़न के थ्रू तो इसमें भी जो डिपार्टमेंट है वो सेक्रेटेरिएट की पहली डिवीजन मानी जाती है प्राइमरी डिवीजन होती है डिपार्टमेंट के थ्रू ही सभी फंक्शनिंग होती है तो हम मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट जिसके थ्रू फंक्शन करते हैं मिनिस्ट्री में मिनिस्टर हेड होता है लेकिन डिपार्टमेंट में सेक्रेटरी हेड होता है जो टॉप मैनेजमेंट में आता है तो सेक्रेटरी क्या है एडमिनिस्ट्रेटिव हेड ऑफ द डिपार्टमेंट एंड जो हमारा सेक्रेटरी है वो ही जो चीफ एडवाइजर है मिनिस्टर का वो होता है ऑन ऑल मैटर्स ऑफ पॉलिसी एंड एडमिनिस्ट्रेशन क्योंकि मिनिस्टर को हो सकता है परफेक्ट नॉलेज ना हो इसीलिए क्या होता है मिनिस्टर को नॉलेज देने के लिए मिनिस्टर को पूरा एडमिनिस्ट्रेशन का स्ट्रक्चर इसके वर्क की समझाने के लिए वो ही उसका मेन एडवाइजर बन जाता है तो एडमिनिस्ट्रेटिव हेड ऑफ़ डिपार्टमेंट चीफ एडवाइजर टू वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को प्ले करता है एंड इसके साथ उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ऑफ कीपिंग अ वॉच ओवर द एग्जीक्यूशन जो भी पॉलिसी फॉर्मुलेट की गई है कि वो अच्छे से इंप्लीमेंट हुई या नहीं इसके ऊपर सुपरविजन कौन करेगा सेक्रेटरी ही करेगा जो इसके बाद अगर सेक्रेटरी हैं, सेक्रेटरी तक पोस्ट तक पहुंचना चाहते हैं क्योंकि जी सबसे हाइस्ट रैंक की डिवीजन होती है तो इसीलिए सेक्रेटरी जितनी ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी जितनी ज्यादा पावर्स होंगी पोस्ट की उतनी ही ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है तो वो एजुकेशन एडमिनिस्ट्रेशन है सारा का सारा रन करने की responsibility उसकी और वो का 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 जो भी हमारे administration में चल रहा है उसके लिए हर एक काम में वो ही सबसे प्राइम होता है जितने भी डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं इनमें कोऑर्डिनेशन कौन क्रिएट करता है हमारा सेक्रेटरी ही करते हैं पॉलिसी के लिए जो मनिस्टर है उनको गाइड करते हैं पोलिसी के थ्रू क्या हुआ क्या इसका इंपैक्ट पे आ, इसमें फ्यूचर में क्या होगा रिव्यू भी वही करते हैं वेल्यूएशन भी वही करते हैं तो सेक्रेटरी है तो सेक्रेटरी तो क्या रिप्रेजेंट करते हैं सेक्रेटरी है हमारी कंट्री को एडमिनिस्ट्रेटिव हेड है वो एक तरह से पूरी कंट्री को रिप्रेजेंट करते हैं वो अपने डिपार्टमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं जब भी कोई नेशनल इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस होती है तो वो अपनी मिनिस्ट्री को रिप्रेजेंट करते हैं मिनिस्ट्री के पर वो ही अपनी स्पीच देते हैं तो जो सेक्रेटरी है ही रिप्रेजेंट्स हिज मिनिस्ट्री इन इंपॉर्टेंट नेशनल इंटरनेशनल पार्लियामेंट्री कमेटीज एंड कॉन्फ्रेंसिस अगर कोई कमेटी है जैसे पार्लियामेंट्री कमेटीज होती हैं पार्लियामेंट्री कमेटी में अगर किसी क्वेश्चन का मिनिस्टर आंसर देना है तो उनके बिहार पर सेक्रेटरी आंसर कर सकते हैं तो पार्लियामेंट कमेटी में जितने भी मिनिस्टर के क्वेश्चन है वो सेक्रेटरी ही तैयार करते हैं तो जो नेशनल इंटरनेशनल पार्लियामेंट्री कमेटीज हैं कोई कॉन्फ्रेंस है उसमें जब वो सेक्रेटरी जाते हैं तो वो अपने डिपार्टमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बिहाव पर वो डिसीजन भी ले सकते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बिहाव पर वो किसी भी फॉरेन कंट्री के साथ एग्रीमेंट भी कर सकते हैं तो इतनी ज़्यादा पावरफुल है हमारे देश को वो रिप्रजेंट करते हैं तो कभी कभी वो अकम्पनी द मिनिस्टर ऑन फॉरेन ट्रिप जब वो फॉरेन ट्रिप पर जाते हैं तो मिनिस्टर के साथ भी जाते हैं ताकि जो भी हमने एग्रीमेंट करना है उसके लिए उनसे ही पूरी तरह से सलाह मशवरा किया जाता है उनको ही एडवाइस दी जाती है एंड जो हमारे सेक्रेटरी हैं हीस इंपावर टू एंटर इन टू फॉरन एग्रीमेंट फॉरन ट्रीटीज तो वो इनमें भी एंटर कर सकते हैं मीनिंग वो फॉरन ट्रीटी एग्रीमेंट ऑन द बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कर सकते हैं तो इतने ज्यादा पावरफुल होते हैं तो जो टॉप मैनेजमेंट के सेक्रेटरी हैं जो सबसे ज्यादा पावरफुल है बहुत ज़्यादा इनके पास पावर्स होते हैं तो सेक्रेटरी के बाद एडिशनल सेक्रेटरी आते हैं जी भी टॉप मैनेजमेंट में है तो एडिशनल सेक्रेटरी की तरह ही अडिशनल सेक्रेटरी तो जी कैसे हो गया तो इसका मीनिंग हुआ कि जो एडिशनल सेक्रेटरी है इसकी जो पोस्ट है एक सेक्रेटरी की तरह तो है लेकिन हम मानते हैं कि जो डिपार्टमेंट का काम है डिपार्टमेंट का काम बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गया है इसीलिए क्या होता है एडिशनल सेक्रेटरी की पोस्ट या बहुत से डिपार्टमेंट में क्रिएट की गई है तो जो एडिशनल सेक्रेटरी है इट्स पोस्ट वाज क्रिएटेड टू रिलीव द ओवरबर्डन सेक्रेटरी सेक्रेटरी का काम बहुत ज्यादा हो जाता है अगर डिपार्टमेंट का काम बहुत ज्यादा है तो इसके काम को कम करने के लिए एडिशनल सेक्रेटरी की पोस्ट को क्रिएट किया गया है एंड मोर ऑफन ये भी कहा जाता है कि जो जो पोस्ट है वो क्रिएट की गई है टू रिवॉर्ड सम सीनियर ज्वाइंट सेक्रेटरी जो सीनियर सेक्रेटरी हैं उनको हम उनकी सर्विस का रिवॉर्ड देने के लिए एडिशनल सेक्रेटरी है इस पोस्ट को क्रिएट करते हैं तो जो एडिशनल सेक्रेटरी है जो टॉप मैनेजमेंट में आता है तो ये काम क्या करेगा सेक्रेटरी पूरा एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट के हेड होते हैं तो जो हम

विद रिगार्ड टू द आइटम्स ऑफ दर्क अलॉटेड टू हिम जो काम उनको दिए गए हैं उनके लिए वो इंडिपेंडेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी से काम करते हैं लेकिन उसके एक कंडीशन है वो किसके सुपरविजन के काम अंडर काम करते हैं सब्जेक्ट टू द सुपरविजन ऑफ सेक्रेटरी जो सेक्रेटरी है उनकी सुपरविजन के अंडर ही वो काम कर रहे हैं तो इस तरह क्या होते हैं एडिशनल सेक्रेटरी का पोस्ट है वो क्रिएट की जाती है तो जे भी बहुत सारे वर्क हैं वो करते हैं तो इसके बाद आता है ज्वाइंट सेक्रेटरी तो ज्वाइंट सेक्रेटरी जे भी टॉप मैनेजमेंट में ही आती है तो ज्वाइंट सेक्रेटरी है जे भी विंग के ही इंचार्ज होती है इंचार्ज ऑफ द विंग तो वो भी क्या करते हैं इंडिपेंडेंट फंक्शन करते हैं एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है लेकिन वो भी ओवरऑल अथॉरिटी ऑफ सेक्रेटरी के अंडर आते हैं जैसे एडिशन सेक्रेटरी है वो भी सेक्रेटरी के सुपरविजन के अंडर आते हैं इसी तरह ज्वाइंट सेक्रेटरी है इनको इंडिपेंडेंस दी गई है जे अपने काम अच्छे से कर सकते हैं जे इंडिपेंडेंट डिसीजन ले सकती हैं जे अपने काम के लिए जो भी इनको अलॉट हुआ उसके लिए रिस्पॉन्सिबल भी है लेकिन सेक्रेटरी की अथॉरिटी इनके ऊपर होती है तो इसके लिए क्या किया जाता है इन वन डिपार्टमेंट देयर मे बी वन और मोर ज्वाइंट सेक्रेटरी तो क्या होते हैं हम डिपार्टमेंट की बात करते हैं डिपार्टमेंट बहुत बड़े भी हो सकते हैं तो इस केस में क्या हो सकता है अगर ज्यादा डिपार्टमेंट्स होंगे तो उसमें विंग भी ज्यादा हो सकती हैं अगर विंग ज्यादा हो जाते हैं तो ज्वाइंट सेक्रेटरी है ज्वाइंट सेक्रेटरी ज्यादा भी हो सकती है तो जो सीनियर पोजीशन होती है इन आई एस केडार की तो वो क्या होते हैं इसमें ज्वाइंट सेक्रेटरी बन जाते हैं और इसमें और क्या होता है मान लो एक डिपार्टमेंट ने हम फोर विंग्स क्रिएट करते हैं फोर विंग्स में फोर ज्वाइंट सेक्रेटरीज होंगे अगर फोर ज्वाइंट सेक्रेटरीज है इनमें से जो सीनियर मोस्ट सेक्रेटरी होगा तो वो क्या बन जाएगा इनका सीनियर बन जाएगा तो सीनियर पोजीशन इन आई एस के डाल वो क्या करते हैं इन्फ्लुएंस द पॉलिसी एंड डिसीजन मेकिंग प्रोसेस इसको वो क्या करते हैं बहुत ज्यादा इंफ्लुएंस करते हैं तो इस तरह ज्वाइंट सेक्रेटरी की पोस्ट क्रिएट की गई है उसके बाद आते हैं डायरेक्टर जो मिडिल मैनेजमेंट में आते हैं तो डायरेक्टर की पोस्ट पैसे तो नहीं है अब कुछ टाइम से डायरेक्टर की पोस्ट को भी क्रिएट किया गया है अब क्या होता है कई बार काम बहुत ज्यादा हो जाता है इसीलिए कुछ स्पेसिफिक वर्क है उनको अलॉट किया जाता है जैसे हमने 2021 में 27 सेवन डायरेक्टर्स हैं उनको अपॉइंट किया था थ्रू लेटरल एंट्री इस तरह डायरेक्टर के पोस्ट है उसमें बहुत सी वैकेंसीज हैं वो क्रिएट की गई हैं रिक्रूटमेंट की जाती है जो क्या करते हैं स्पेसिफिक फंक्शंस करते हैं जो उनको असाइंड किए जाते हैं तो जे भी किसके अंडर आते हैं ज्वाइंट एडिशनल एंड जो सेक्रेटरी हैं इनके सुपरविजन के अंडर वर्क करते हैं तो इसके बाद आते हैं डिप्टी सेक्रेटरी जे होते हैं मिडिल मैनेजमेंट में तो ये क्या होते हैं अपनी डिवीजन के हेड होते हैं तो डिवीजन के हेड हैं डिवीजन में जितना भी काम है इनके सुपरविजन के अंडर ही आता है तो फंक्शंस रोल डिपेंड ऑन द स्टैंडिंग ऑर्डर इन्होंने कितना काम करना है इसका रोल कितना है तो ये सब कुछ किसके अंडर आता है जो भी स्टैंडिंग ऑर्डर दिए जाते हैं जो भी एक सेक्रेटरी जै फिर डायरेक्टर ज्वाइंट सेक्रेटरी इनको कहते हैं उसके थ्रू मिलते हैं जैसे फिर इनके लिए स्टैंडिंग ऑर्डर पास किया जाता है उसके थ्रू इनको पावर मिलती है एंड जो भी पॉलिसीज की जाती हैं इनको इनिशिएट करना इनकी जो ड्राफ्टिंग होती है ऑलमोस्ट इसी लेवल पर ही की जाती है तो बाद में आगे रिव्यू करके इनमें चेंज किए जाते हैं मोस्ट ऑफ दोलिस बहुत ज्यादा पोलिस के लिए वर्क करते हैं तो इसके बाद आते हैं अंडर सेक्रेटरी तो जो अंडर सेक्रेटरी है वो डिप्टी सेक्रेटरी के कंट्रोल के अंडर आते हैं तो ये मिडल मैनेजमेंट में होते हैं जो अंडर सेक्रेटरी है जे ब्रांच के हेड होते हैं जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं वो रनिंग स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द ब्रांच कि जो ब्रांच है ब्रांच अच्छे से काम करे ब्रांच को जितने भी काम दिए गए हैं अंडर सेक्रेटरी उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं तो इसके लिए वो क्या करते हैं सेक्शन ऑफिसर जो इसके लॉर्ड पोजीशन होती है उसको क्या करते हैं प्रॉपर गाइडेंस देते हैं उनसे काम करवाते हैं तो जितना भी काम है वो अच्छे से और जल्दी हो सके पेडी डिस्पोजल ऑफ द आइटम्स ऑफ द वर्क जी किसके ऊपर डिपेंड करते हैं अंडर सेक्रेटरी के ऊपर डिपेंड करते हैं और जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बन जाती है और डिसिप्लिन क्रिएट करना भी ब्रांच में सारा काम अच्छे से हो जे भी अंडर सेक्रेटरी की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो इस तरह आज हमने इस सेशन में किया जो डिफरेंट ग्रेड के ऑफिसर्स है वो कैसे काम करते हैं इनकी जो भी ग्रेडिंग है जो भी इनके फंक्शनिंग है जिस भी सिविल सर्वेंट्स होते हैं सिविल सर्वेंट्स आई होते हैं इनकी यू पी एस हैं जो ही इनकी अपॉइंटमेंट करती है लेकिन जब हम सेक्रेटरी सेक्रेटरी की बात करते हैं तो इनकी अपॉइंटमेंट कैसे होती है इसके लिए कमेटी बनाई जाती है वो कमेटी ही इनको अपॉइंट करती है अगर हम सेक्रेटरी की बात करते हैं इसमें जो कमेटी ऑन पर एंड ट्रेनिंग है वो कैबिनेट सेक्रेटेरिएट है एंड इसके साथ जो पी है प्राइम मिनिस्टर ऑफिस है जी सभी मिलकर डिसीजन लेते हैं कि किस पर्सन को सेक्रेटरी बनाना है उसी तरह एडिशनल सेक्रेटरी कैसे बनाना है ये भी डिफाइन किया जाता है तो इसमें प्रमोशन के थ्रू रिक्रूटमेंट की जाती है और कभी कभी हम डायरेक्ट भी कर लेते हैं लेकिन बहुत रेयर होता है इसमें डायरेक्ट एंट्री होती है क्योंकि ये पोस्ट प्रमोशन के थ्रू ही फिल होती है जिसमें एक्सपीरियंस ज़्यादा होता है वो ही हायर पोस्ट पर पहुँच पाते हैं तो इस तरह हमने इसकी ऑर्गेनाइजेशन एंड फंक्शंस किया है नेक्स्ट सेशन में करेंगे सेंट्रल सेक्रेटेरिएट है इसका एग्जीक्यूटिव के साथ क्या रिलेशन होप्पो ओके आपको यह सेशन अच्छा लगा होगा अगर आपकी कोई क्वेरी है तो पोस्टिंग कमेंट बॉक्स एंड वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स थैंक यू सो मच एंड अइस